अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज में आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि 6x + 27 डिवाइडेड बाई 4x³ - 9x। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले बुनियादी तौर पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो गिवन क्वेश्चन है क्या वो प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं, यानी गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। और दूसरे नंबर पे हमने ये नोट करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो कौन सा केस है पार्शियल फ्रैक्शन का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में टू डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर और उसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर आते हैं। इसी तरह जो दूसरा केस है उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स या फैक्टर्स आते हैं, और उसी के साथ जो दूसरा केस है उसमें रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। तो इसमें हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर नॉमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 3। तो डिनोमिनेटर की पावर या डिग्री नॉमिनेटर से ग्रेटर होने के सबब गिवन जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फॉर्म में। सेकेंडली हमने ये देखना है कि ये कौन सा केस है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x की पावर 3 आ रही है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर नहीं रहा। हम ट्राई करेंगे कि इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकें। 6x + 27 अगर 4x³ - 9x आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलीनोमियल के दोनों एलिमेंट में x मौजूद था, तो मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो 4x³ - 9x कन्वर्ट हो जाएगा x into 4x² - 9। क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं। तो 4x² को मैंने नेक्स्ट स्टेप में 2x² और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a - b, a + b, तो इस टर्म को यूज करते हुए, इस रिजल्ट को यूज करते हुए मैं इस टर्म को जो 2x² - 3² आ रहा है को कन्वर्ट करके लिख सकता हूं 2x - 3 into 2x + 3। तो गिवन क्वेश्चन में फ्रैक्शन जो है अब उसकी जो न्यू फॉर्म आ रही है उसमें देख सकते हैं 6x + 27 डिवाइडेड बाय x into 2x - 3 into 2x + 3। तो गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूदा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर या 3 डिफरेंट लीनियर इक्वेशन मौजूद है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट केस बन गया जिसमें डिनोमिनेटर में मौजूद लीनियर फैक्टर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में मौजूद जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उतने ही कांस्टेंट या उतने ही टाइप्स की हम फ्रैक्शन ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, जैसे कि फर्स्ट वन इज x, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो इसके कॉरस्पॉन्ड जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने 3 डिफरेंट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए a, b and c, और इसी तरह हमने 3 डिफरेंट फ्रैक्शन भी कन्वर्ट की। फर्स्ट वन इज a ओवर दिस फर्स्ट फैक्टर, सेकंड वन इज b डिवाइडेड बाय द सेकंड फैक्टर एंड थर्ड वन इज c डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स थे, तो उसी 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड मैंने 3 डिफरेंट फ्रैक्शन यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दी, फर्स्ट विद न्यू कांस्टेंट a, सेकंड वन b एंड c। इन क्वेश्चन में क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और यहां पे अपनी तरफ से हमने खुद सेट किया a b एंड c, तो इस क्वेश्चन का असल मसला या असल सॉल्यूशन ही यही है कि हमें ये कांस्टेंट a b और c फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको रिलेशन या इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एलसीएम से इस रिलेशन a को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है x 2x - 3 and 2x + 3। तो ये डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म की एलसीएम का काम करेंगी, एलसीएम बनती है। तो हम लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से और राइट साइड के भी तमाम डिफरेंट फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एलसीएम। क्योंकि ये और ये रिलेशन डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में मौजूद रिलेशन सेम था तो ये कैंसिल आउट। इसी तरह k के साथ डिनोमिनेटर में मौजूद x और ये मल्टीपल की फॉर्म में x कैंसिल आउट, और b के साथ भी 2x
डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहां पे ये नॉमिनेटर में आ रहा है कैंसिल आउट, और c के साथ भी 2x + 3 और ये 2x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन एंड कैंसिलेशन वी विल गेट 6x + 27 ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड वी विल लेफ्ट ओनली a into 2x - 3 2x + 3 also b into 2x + 3 2x and c 2x into 2x - 3। हम देख सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन को जिसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स आ रही थी, आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट नथिंग इन द डिनोमिनेटर एज अ पॉलीनोमियल। तो ये जो गिवन इक्वेशन हमारे पास आ रही है, हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कोई पॉलीनोमियल मौजूद नहीं, या सिर्फ एज अ डिविजन यहां पे 1 मौजूद है। तो हमने रिलेशन ए को कन्वर्ट करके रिलेशन बी बना दिया। याद रखिएगा, दोबारा सुन लें कि जो रिलेशन बी बनाएंगे उसके डिनोमिनेटर में कोई भी पॉलीनोमियल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मौजूद 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हो, जैसे कि इस केस में फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज 2x - 3 एंड द थर्ड वन इज 2x + 3। नंबर वाइज इन फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 और ये x की वैल्यू हम रिलेशन बी एंड इक्वेशन बी में पुट कर देंगे। तो 6x + 27 में जहां-जहां पे x आया है, जैसे कि इस केस में यहां पे x आया यहां पे और आगे b और c के साथ भी मौजूद है, तो जहां-जहां x आएगा वहां पे हम x का रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 * 0 + 27 a into 2x - 3 था, तो यहां पे 2 * 0 - 3 2x + 3 की जगह 2 * 0 + 3 and so on with b and c also। After putting this result we will get 6 * 0 will be 0 + 27, so we will get only 27 left side of this, or right side pe यहां पे हमारे पास बचेगा a into - 3 * 3, क्योंकि b का कोएफिशिएंट 0 हो गया और c का कोएफिशिएंट भी 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास b और c दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सो वी विल लेफ्ट ओनली 27 इज इक्वल टू -9 टाइम ऑफ a। आफ्टर डिवाइडिंग दिस -9 विद 27 वी विल गेट द रिजल्ट्स फॉर a व्हिच इज -3 इन दिस केस। फर्स्ट केस में हमने x इक्वल टू 0 रखा क्योंकि हमारे पास सेकंड लीनियर फैक्टर 2x - 3 और थर्ड 2x + 3 है, तो हम नंबर वाइज ये फैक्टर्स इक्वल टू 0 रखेंगे। तो नेक्स्ट हमने 2x - 3 इक्वल टू 0 रखा, जहां से हमें x की वैल्यू 3/2 आई, तो इस x की वैल्यू को भी दोबारा रिलेशन b या इक्वेशन b में पुट कर देंगे। तो जहां-जहां पे x आया, जैसे कि यहां पे 6x + 27 था, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 6 * 3/2 + 27 एंड a इज into 2 * 3/2 - 3, तो a के साथ 2x आ रहा था 2 * 3/2, इसी तरह 2x + 3 था तो 2 * 3/2 + 3, so on with b and c also। So when we get the result after cancelling this 2 into 6 divide करने के बाद we get 3 into 3 9 plus 27। यहाँ पे ये 2 और 2 cancel होने के सबब 3 minus 3 0 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास c का result भी 0 होगा। तो इस केस में हमारे पास a और c का coefficient 0 होने के सबब वो eliminate हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 27 plus 9 36, और यहां से b की वैल्यूज आ जाएगी 2 into 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 6/2, सो वी विल गेट 3 into 3 9, सो 36 इज इक्वल टू 9 भी एज अ रिजल्ट हमारे पास बचा। आफ्टर डिवाइडिंग दिस 9 विद 36 वी विल गेट b इज इक्वल टू 4। चूंकि ये हमने सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 रखा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे, जो कि इस केस में 2x + 3 है। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास c का रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव 2। याद रखिएगा, हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इसको, सिंपल फ्रैक्शन में तो हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रैक्शन आ रही, फर्स्ट वन विद कांस्टेंट a, सेकंड वन विद कांस्टेंट b एंड थर्ड वन विद कांस्टेंट c। तो हमने इस टेक्निक की मदद से हमने a b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट की है, और इन तीनों रिजल्ट्स को हम दोबारा पुट कर देंगे रिलेशन नंबर a में, जो कि ये नजर आ रहा है सामने। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज वी विल गेट 6x + 27 आवर x * 2x - 3 * 2x + 3 इज इक्वल टू, तो a की जगह पर रिजल्ट पुट कर देंगे -3, b की जगह रिजल्ट पुट कर देंगे 4 और c की जगह पुट कर देंगे 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन को हमने मोर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। शुक्रिया।